हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंचक्की के बारे में, वाटर मिल के बारे में। पहले ज़माने में जो हमारे पास जो आटा जो पीसने के लिए जो मशीन होती थी, वो हम वाटर का यूज़ करते थे उसके लिए। अभी इलेक्ट्रिकल, आज के टाइम पे इलेक्ट्रिकल मोटर्स वगैरह हैं तो आजकल इजी है। अभी ये जो पानी आप देख रहे हैं, ये पहाड़ों से इकट्ठा किया हुआ टोटल पानी है और इसको एक देसी जुगाड़ बनाया है। ये एक वुडन पीस है जिसको काटा गया है और इसके थ्रू जो है पानी को पास करवाया गया है, और ये पानी जो है जाके आपका टर्बाइन के साथ टकराता है और इससे शाफ्ट घूमता है, और जो हमारे गेहूँ के दाने रहते हैं ऊपर चक्की में, और वो जैसे ही शाफ्ट घूमती है वो गेहूँ के दाने पीसते रहते हैं और कन्वर्ट होते रहते हैं आटे के अंदर। तो ये एक वुडन पीस है, कितना बढ़िया जुगाड़ बनाया है देखिए। ये बहुत बहुत प्यार से और बहुत बढ़िया फिनिशिंग करके ये जो चीज़ बनाई हुई है यहाँ पे, ये अट्रैक्शन एक बना दिया है, एक अट्रैक्शन है। बहुत से टूरिस्ट यहाँ पे रुकते हैं। ये हिमाचल का एक एरिया है, देवीगढ़ जाते हुए आपको ये मिलेगा जो हिमाचल में है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। और देखिए ये आउटसाइड में कितना जंगल है, ये कितना हरा भरा जंगल है। और ये सारे जो आप पेड़ देख रहे हैं, ये देवदार का पेड़ है। ये बहुत कॉस्टली पेड़ होता है, फॉरेस्ट वालों ने इसमें नंबरिंग लगा के रखी हुई है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो अब बात करते हैं इसका, ये जो है देसी जुगाड़ है, ये पेड़ को काट के इसके अंदर से पानी हम पास करते हैं। पास करने ये देखिए पास हो रहा है, और यहाँ पे एक इन्होंने एक स्ट्रेनर दिया है। स्ट्रेनर का मतलब क्या है कि जो बोल्डर आएगा, कोई लकड़ी का पीस आएगा, तो वो इस पाइप के अंदर जो है वो पाइप के अंदर ना चला जाए। क्यों? क्योंकि प्रोटेक्शन ऑफ टर्बाइन की प्रोटेक्शन के लिए ये चीज़ दी हुई है। यहाँ से पानी का प्रेशर बन जाता है, क्योंकि स्लोप देखिए कितना है, और यहाँ से जैसे ही एंटर होता है पानी बिल्कुल फोर्सफुली अंदर जाता है। और ये जो आप घर देख रहे हैं जहाँ पे ये पाइप घुसा हुआ है अंदर, ये पाइप के अंदर चक्की लगी हुई है, चक्की लगी हुई है, और टर्बाइन का जो है एरिया है, वो टर्बाइन का एरिया नीचे रहेगा, उसमें मैं आपको लेके जाता हूँ। अभी दिखाता हूँ आपको ये सब। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा टर्बाइन। यहाँ पे जो है ये नोज़ल लगा हुआ है, नोज़ल से जो है पानी जो ब्लेड्स में टकराता है, और जैसे ही फोर्सफुली ये जब हम चक्की को चलाना होता है, तो ये जो है ये ब्लेड पे जो वाटर है ये ट्रांसफ़र करता है अपनी फोर्स इस ब्लेड के ऊपर, और ये ब्लेड घूमना शुरू करता है। और जैसे ही शाफ्ट घूमती है तो ऊपर जो आपका चक्की है, चक्की भी घूमने लग जाती है, पूरा चक्की का सिस्टम पूरा घूमने लग जाता है, और आपका दाना पीसने शुरू हो जाता है और आपका आटा बन के तैयार हो जाता है। ये एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हाइड्रो पावर प्लांट्स जो भी अभी यूज़ हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी बनने के लिए, उसके लिए भी यही एक बेसिक है, ये पहला स्टेप था, यहीं से ही एक कॉन्सेप्ट लिया गया है हाइड्रो पावर प्लांट का भी। और ये देखिए, ये पानी जो निकल रहा है ये आउटलेट है, ये जा रहा है जंगल में वापस। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।